तीनों खान्स में बनती नहीं है, कभी किसी में झगड़ा होता है, कभी किसी में होता है, क्या ये सच है? बेस्ट डायरेक्टर, निर्देशक, बेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? आमिर खान, विदाउट अ डाउट। ओके, बेस्ट सिंगर आपके हिसाब से? अरिजीत। देश का बेस्ट एक्टर आप किसे मानती हैं? आमिर की बेस्ट मूवी आपके हिसाब से कौन सी है? तीनों खान्स में सबसे बड़ा स्टार कौन है? रवि किशन। कमाल। ऐसा ही बोला है क्या फिल्म में? कैसा? तब किरण राव की मुलाकात आमिर खान से लगान के सेट पर हुई थी जी, और वहीं हुआ था दोनों के बीच इश्क। नहीं, लगान पे तो मैं मेरी शुरुआत कैसे हुई थी? क्या उन्होंने प्रपोज किया था? प्रपोज एक तरह से हाँ उन्होंने ही किया। दिल चाहता है कि पता नहीं ये कहानी आपको पता है या नहीं, किरण राव ने उसमें छोटा सा रोल भी किया है। नहीं। किया है या नहीं? जिसमें मीडिया को जमकर लपेटा था। पीपली लाइव याद है आपको? आप लोग तो बहुत शरीफ हो गए। पेटल राना तूफान आलया। मुश्किल होता है क्या तलाक के बाद दोस्त बन के और एक कॉलीग बन के? नहीं। कोई ऐसा गलत परसेप्शन आमिर के बारे में जो आपको लगा हो कि बन गया है, उसको तोड़ा जाना चाहिए? आमिर ऐसे नहीं है जैसा ये लोग मानते हैं। आपको थोड़ी बहुत ब्रेक तो मिली जाएगी, आपको एक बार तो टिकट मिल जाएगा पॉलिटिक्स का, या तो एक बार फिल्म दे देगा कोई, लेकिन अगर आपने ठीक से नहीं किया तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। हेलो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता, आप देख रहे हैं News 24 मंथन के इस मंच पर। अब मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जो कि पहले आमिर खान से जोड़कर देखी जाती थी, लेकिन अब उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में, सुपरहिट ब्लॉकबस्टर्स फिल्में प्रोड्यूस करने के बाद डायरेक्शन की दुनिया में एक बार फिर से कदम रखा है। दूसरी फिल्म डायरेक्ट कर रही हैं किरण राव। जोरदार तालियों के साथ किरण राव का स्वागत करिए। नमस्ते, थैंक यू। और दूसरी फिल्म का नाम भी रखा है लापता लेडीज। नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, लापता लेडीज। क्या है ये, क्या सब्जेक्ट है? पहले तो इसी पर थोड़ा बताइए। तो ये सब्जेक्ट एक्चुअली, कहानी शुरू होती है दो दुल्हन जा रही होती हैं अपने गांव में। 2001 की कहानी है। दो छोटी सी दुल्हन जा रही हैं ट्रेन पर अपने हस्बैंड्स के साथ, और वो घूंघट में हैं, और रात का वक्त है। एक जो दूल्हा है वो अपने स्टेशन जब पहुंचते हैं अपने दुल्हन का हाथ पकड़ के ट्रेन से उतार के घर जाता है, और जब मुंह दिखाई का वक्त आता है और घूंघट खोलती है तो कोई और ही है। तो उसकी बीवी हो गई है लापता। अच्छा, तो फिर वो ढूंढता है और जो लड़की उसके साथ आई है उसका भी कुछ एक पता नहीं शेडी सा बिहेवियर है। वो थोड़ी कुछ तो है दाल में काला है। फिर उसका क्या करता है आपको देखनी पड़ेगी, उसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी। पर ये स्टोरी आपने 2001 में बनाई है? जी जी, नहीं बनाई नहीं, सेट है, सेट की है, वही मैंने कहा। यानी आपकी गाड़ी 2001 से आगे बढ़ी नहीं रही है। 2001 क्योंकि ये जो जनरेशन है, दीज आर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स जी, इनको शायद पता नहीं 2001 में ये लोग कितने छोटे पैदा भी नहीं हुए होंगे, हो सकता है। 2001 में जब लगान फिल्म बनाई जा रही थी, आई थी लगान आमिर खान की, तब किरण राव की मुलाकात आमिर खान से लगान के सेट पर हुई थी जी, और वहीं हुआ था दोनों के बीच इश्क। नहीं नहीं, वो सेट पे नहीं हुई थी, सेट के बाद 3-4 साल बाद हुई। 2004 में जब मैं स्वदेश पर काम कर रही थी, तब आमिर मंगल पांडे की शूटिंग कर रहे थे। तो तब एक्चुअली वो भी पंचकनी आए हुए थे जहां हम रह रहे थे स्वदेश के लिए, और तब शुरू हुई थी हमारा रिश्ता। कैसे शुरू हुई थी? कैसे शुरू हुई? बस हम लोग एक्चुअली काम साथ में करते थे, एक दूसरे को जानते थे। आशू ने काफ़ी सारे कोक के एड्स भी किए थे, आपको याद है? कोक 5 मतलब कोका कोला, वो ठंडा मतलब पर वो 5 रुपए का एक था। हाँ। और वो पंजाबी कोक बिहारी, ऐसे अलग अलग करते थे आमिर। तो आशुतोष वो डायरेक्ट करते थे और मैं उसकी एडी थी, तो उस दौरान काफ़ी मिलना होता था। तो शुरू में ऐसा नहीं लगा कि अट्रैक्टेड नहीं हुआ लगा दोनों? नहीं, लगान पे तो मैं, मेरी ज़्यादा हिम्मत होती नहीं थी उनसे बात करने की, और मुझे बहुत काम था। मुझे तो धकेल दिया था मेकअप हेयर डिपार्टमेंट में। मैं अंदर बैठ के सबके विग्स डालती थी, कॉस्ट्यूम्स बदलना, ये सब करना। तो इश्क का टाइम ही नहीं था। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आमिर चुपके चुपके देख रहे होते थे किरण राव को ऐसे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो शुरुआत कैसे हुई थी? क्या उन्होंने प्रपोज किया था आमिर ने? अपने हाँ एक्चुअली प्रपोज मतलब हाँ वी हम लोग वो डिवोर्स हो गए थे, हम लोग समय बिता रहे थे तो वी स्टार्टेड गोइंग आउट. प्रपोज एक तरह से हाँ उन्होंने ही किया, मतलब म्यूचुअली था. हाँ, हाँ, पर प्रपोज फाइनली उन्होंने ही किया. आमिर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बड़े निराश हो गए थे, शायद लाल सिंह चड्ढा के बाद बहुत निराश हो गए थे, ऐसा लगा कि पता नहीं डिप्रेशन में चले जाएंगे. फिर एक दिन आपसे बात की फ़ोन पे उन्होंने आधा घंटा, उसके बाद सडनली उन्हें एहसास हुआ अरे यार मैं अचानक बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ. क्या आपको भी लगा वो टर्निंग पॉइंट था, वो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन आधे घंटे का? अच्छा आमिर ने इंटरव्यू में पढ़ा है. अच्छा नहीं ऐसे हमारी बातें होती रहती हैं, हम लोग एक दूसरे को हौसला देते रहते हैं अपने लो फेजेस में. कभी कुछ अच्छा नहीं गया तो हम बात करते रहते हैं अभी भी. पर आपको कब लगा कि हाँ आमिर इज़ द राइट पर्सन, ऐसा ही आदमी चाहिए था मुझे? 2004 में जब थोड़ा और टाइम स्पेंड करने लगे थे और एक दूसरे के साथ एक्चुअली थोड़ा वी वर इन पंचकनी टुगेदर. तो जब शूटिंग नहीं होती थी दोनों की तो हम लोग ड्राइव पे चले जाते थे, बातचीत बहुत होती थी. उस वक्त आमिर भी ड्राइव करते थे, आजकल ड्राइविंग ही बंद हो गया उनका. बट मज़ा तो बातचीत में पता चल गया कि किस तरह के इंसान right. है वो, और अट्रैक्ट उनके दिमाग से ज़्यादा हुआ एक्चुअली. 15 साल तो बहुत खूबसूरत रहे आपके, आपने भी कहा और आमिर ने भी कहा. और इस दौरान बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आपने प्रोड्यूस की जी, सुपरहिट क्लासिक फिल्में. दंगल, तालियां बजाइए दंगल के लिए. लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप बताते हैं लेकिन उसको तारीफ बहुत मिली. सीक्रेट सुपरस्टार, आई एम श्योर सबने देखी होगी सीक्रेट सुपरस्टार. दिल चाहता है, दिल चाहता है कि ये कहानी मुझे नहीं पता जी, हमने नहीं प्रोड्यूस की लेकिन नहीं मैं कंप्लीट कर लूं. दिल चाहता है कि पता नहीं ये कहानी आपको पता है या नहीं, किरण राव ने उसमें छोटा सा रोल भी किया है. किया है या नहीं? छोटा सा रोल तो था ही नहीं वो. मैं एक्स्ट्राज कास्टिंग की डायरेक्टर थी, मुझे एक्स्ट्राज ढूंढने थे उस फिल्म के लिए. मैं उसी साल बनी थी जब लगान बनी थी. तो मेरे दोस्त हैं जोया और रीमा और उन्होंने कहा कि भाई एक्स्ट्राज चाहिए, गोवा का सीन है, गोवा की शूटिंग है तो आपको बीच पे ये ना लोग खेल रहे हैं, जो भी वॉलीबॉल खेल रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, आपको ढूंढने हैं एक्स्ट्राज. तो ठीक है मैंने ढूंढे एक्स्ट्राज. तो जब कम पड़ते थे तो मुझे कहा जाता था कि तुम पीछे चल के जाओ, ये कपड़े पहनो, स्विम सूट पहन के पीछे से जाओ. तो वही था मेरा. अच्छा कोई रोल तो था नहीं. ओके डेली बेली बहुत अच्छा, उसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी किया था और तारीफ भी बहुत मिली थी. और एक ऐसी फिल्म भी बनाई थी किरण राव ने जिसमें मीडिया को जमकर लपेटा था, पीपली लाइव. याद है आपको क्या आपने क्लास लगाई थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उस फिल्म में? अनुषा को पकड़िए. मतलब हमें भी लगा यार कई बार वाकई अब आईने में देखने का टाइम आ गया है. बहुत बढ़िया फिल्म थी, बहुत बढ़िया. क्या मीडिया की हालत आज भी ऐसी है किरण, या उससे बेटर हुई है? मुझे लगता है उससे ऑफ कोर्स बेटर हुई है. और ऑल्सो सोशल मीडिया के आने से काफ़ी कुछ बदला है मीडिया की दुनिया में भी. अब तो कुछ और ही दुनिया हो गई है. आप लोग तो बहुत शरीफ हो गए हैं. शरीफ हो गए. आपने गाना भी गाया एक, मैं पढ़ रहा था कहीं. जी जी मैंने गाना मराठी शायद कोई जी गाना? मराठी में. तो आपको मराठी अच्छी आती है? एक्चुअली अच्छी आती नहीं है, मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ. लेकिन गाने के लिए तो फिर पढ़ के ही किया मैंने, क्योंकि काफ़ी पोएटिक मराठी थी वो. मैं अभी भी थोड़ा मुझे मुश्किल लगती है समझने वो. कौन सा गाना था? तूफान आलया. ऐसे नहीं, हाँ ऐसे नहीं. एक जुटी ना पेटल राना तूफान आलया काया भुईचा बेटीला हे आभाळ आलया भेगाल माय माटीचा ह्या देळत जागली आस घेऊन हात हाता मंदी पेटून येत राणी ध्यास ते दिसान ला 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 ला. क्या बात है, वट एवर दैट मेंट. जो भी इसका मतलब था बहुत खूबसूरत था. मुझे मराठी नहीं आती उतनी, लेकिन काफी सारे वर्ड्स मिक्स अप किए हैं। प्लीज एनीवन हु स्पीक्स मराठी प्लीज फॉरगिव मी। ये तो हिडन टैलेंट था, हमें नहीं पता था कि आप गाने में भी इतना अच्छा हैं जी। क्या ये माने हम कि ये जो आपने दूसरी फिल्म डायरेक्ट करने में इतना टाइम ले लिया धोबी घाट के बाद जी, क्या आमिर से अलग होने के बाद अब आप ज्यादा फ्री महसूस कर रही हैं? ऐसा कहा जा सकता है कि आप वो करना चाहती हैं जो आप पहले नहीं कर पाई? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये इस फिल्म पे काम एक्चुअली 2018 में शुरू हुई और आमिर ने ये स्क्रिप्ट ढूंढ के दिया मुझे। ये आमिर की एक्चुअली फाइंड है, उनकी ढूंढी हुई स्क्रिप्ट है। तो 2020 से काम इस पर शुरू हुई। हमारे डिवोर्स को अभी हुए हैं शायद 2 साल, तो ये तो बात नहीं थी। इनफैक्ट आमिर के साथ अभी भी काम करने में मुझे बहुत दिलचस्पी है। इनफैक्ट आई विल टेक ऑल माय प्रोजेक्ट्स टू हिम। बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं। मैंने सुना आप अभी भी साथ रहते हैं? साथ तो नहीं रहते। मैं उसी बिल्डिंग में रहते हैं। मैं ऊपर रहती हूँ और वो नीचे रहते हैं। मुलाकात होती रहती है? हाँ हाँ, मुलाकात। मुश्किल होता है क्या तलाक के बाद दोस्त बन के और एक कॉलीग बन के? नहीं, जब अच्छे रिश्ते हैं तो मुश्किल नहीं होती। जब एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, इतना गहरा रिश्ता है, एक तरह से सम्मान है, प्यार है, तो फिर मुश्किल तो नहीं होती। बल्कि पर अलग अपनी जगह खुद की अलग होना ज़रूरी है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि जो आपका स्टेटमेंट था जब आपने डिवोर्स अनाउंस किया था, आपने कहा था कि हम फैमिली की तरह रहेंगे। तो दोस्ती कहना शायद गलत है। आप अभी भी एक फैमिली की तरह रहते हैं? जी जी बिल्कुल। मेरी सास ऊपर रहती हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ भी रहते हैं, फैसल, आयरा, जुनैद, उसी कॉम्पाउंड में हम सब रहते हैं। रीना, आयरा और जुनैद की माँ डाउन द रोड रहती है। तो हम लोग एक्चुअली एक हम साथ हैं टाइप फैमिली हैं। 2001 से पहले कभी सोचा था आपने कि 2024 में इस स्टेज पर होंगे? बिल्कुल नहीं। क्या करना चाहती थी आप जब? मैं फिल्ममेकर बनना चाहती थी। मैंने मास्टर्स किया है फिल्म में। तो जब मैं यहाँ जामिया में पढ़ी थी, मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, और जब मैं आई फिल्म दुनिया में मुझे लगा कि 2-4 साल में मैं बना लूँगी फिल्म। कितना मुश्किल होता होगा, पर बहुत मुश्किल होती है इंडस्ट्री में कदम रखना, क्योंकि जब आपके कोई आगे पीछे है होता नहीं है जो आपको यू नो सलाह दे या फिर आपको ब्रेक दे, तो फिर मुश्किल होती ही है। तो लकीली मैं एडी के काम से एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में जब जा रही थी तो लगान की बात हुई। लगान पे काम किया, फिर 2-3 साल, फिर एडवर्टाइजिंग, स्वदेश, साथिया नाम की फिल्म थी शाद अली की, उस पर काम किया, एक IMAX फिल्म पे काम किया। तो करती गई। And the rest is history. And then when I started, आमिर और मेरा जब रिश्ता शुरू हुआ, I started producing also. मुझे फिल्म बनानी थी, लेकिन आमिर को तारे ज़मीं पर की स्क्रिप्ट मिली थी, तो उसमें मैं प्रोडक्शन हाउस लगान के बाद बंद पड़ गई थी। तो टू रिवाइव दैट वी काइंड ऑफ फॉर तारे ज़मीं पर मैंने, और उसके बाद तो देखिए प्रोडक्शन हाउस ने क्या से क्या कमाल कर दिया। जी 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 जी। आमिर खान के बारे में ऐसी एक बात जो लोग नहीं जानते या गलत समझते हैं, कोई ऐसा गलत परसेप्शन आमिर के बारे में जो आपको लगा हो कि बन गया है, उसको तोड़ा जाना चाहिए? आमिर ऐसे नहीं है जैसा ये लोग मानते हैं। आमिर बड़े थिंकिंग आदमी है, पर लोग सोचते हैं कि वो बहुत सीरियस है। वो सीरियस है नहीं, बहुत मजाकिया है एक्चुअली। हाँ उनको मजाक करने में और लोगों की को प्रैंक्स करने में बहुत मज़ा आता है। बॉलीवुड के बारे में आपको हाल के दिनों में आपने नोट भी किया होगा, लोग कहते हैं आप बॉलीवुड में इमेज बहुत खराब हो गई। आप मानते हैं कि बॉलीवुड की इमेज बहुत गलत चीज़ों से जोड़ के देखी जाती है? ऐसी इमेज है नहीं असल में, बॉलीवुड ऐसा है नहीं, क्योंकि आपने तो डायरेक्टर के तौर पे, प्रोड्यूसर, राइटर के तौर पे, एक्टर के तौर पे भी देखा है, मतलब आमिर खान की नज़रों से। ये एक्चुअली बाहर के लोग ही कह सकते हैं ये सब। मैं जब अंदर हूँ तो ये एक लांछन मुझ पे भी उस हिसाब से, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। पर वी आर जस्ट पीपल डूइंग अ जॉब। मतलब आप देखें तो मीडिया पे भी कैसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि मीडिया ऐसे है वैसे है। तो आप अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, दुनिया भर के लोगों के लिए नहीं। और मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में इतने सारे लोग हैं जो अपना काम बहुत ही यू नो ऑनेस्टी से बहुत दिल लगाकर करते हैं, तो ये अभी लोगों का काम है कहना, तो कुछ बॉलीवुड एक बहुत इजी टारगेट हो जाता है लोगों को कुछ कहने के लिए। क्या नेपोटिज्म वाकई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या बॉलीवुड में? जब तक आप किसी को जानते नहीं हो, आपका कोई माँ बाप नहीं है, आपको काम नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, आप देखिए कितने एक्टर्स हैं, मेरे ही एक्टर्स देख लीजिए, कहाँ से हैं ये लोग। एक शिमला से है, एक दिल्ली से है, एक आगरा से है, रवि जी हैं अपने आप आए बिहार से। तो बात तो ये नहीं है, हमारी नज़र उन दो चार लोगों पर जाती है जिनकी एक तरह से उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स थे इंडस्ट्री तो उसमें में। कुछ गलत है वैसे आप मानते हैं? हाँ, क्योंकि हर इंडस्ट्री में, आप कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, डायमंड ज्वेलर्स की ले लीजिए, आप ये तो नहीं कहते कि जब आप अपनी पूरी डायमंड बिजनेस अपने बेटे को दे देते तो नेपोटिज्म कहता है कोई? ये बात तो पॉलिटिक्स में भी आरोप लगता है आजकल। हाँ, तो यही है। आप जब तो आप परिवारवाद के आरोप को गलत मानती हैं? नहीं, गलत नहीं मानते। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स मैं कहती हूँ कि देयर मस्ट बी अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीबडी, लेकिन जब आप एक प्राइवेट बिजनेस चलाते हैं तो आपको अपने बच्चों को उसमें शामिल करना नेचुरल सी बात है। पॉलिटिक्स अगर कोई किसी को नाम बनाना है पॉलिटिक्स में या फिर फिल्म्स में, उनको अपने ही बलबूते पर बनाना है। आपको थोड़ी बहुत ब्रेक तो मिल ही जाएगी, आपको एक बार तो टिकट मिल जाएगा पॉलिटिक्स का, या तो एक बार फिल्म दे देगा कोई, लेकिन अगर आपने ठीक से नहीं किया तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ओके, मतलब आप मानती हैं कि अगर ब्रेक मिल जाए या थोड़ी हेल्प मिल भी जाए, चाहे पॉलिटिक्स भी हो, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो आपको खुद प्रूव करना है। ओके, साउथ वर्सेस बॉलीवुड, इस डिबेट को आप कैसे देखती हैं? आप एक्सपेक्ट कर रही होंगी ये सवाल जरूर आएगा। नहीं नहीं, पर ये डिबेट एक्चुअली है ही नहीं। एक तरह से आई फील प्राउड कि साउथ की फिल्में इतनी अच्छा कर रही हैं, मैं भी साउथ की हूँ। एग्जैक्टली, तो आई एम वेरी हैप्पी। पता नहीं कितने लोगों को ये पता है। हाँ, बल्कि अच्छा ही है, सही मायनों में नेशनल है। हाँ, मैं बिल्कुल नेशनल हूँ। मैं कलकत्ता में बड़ी हुई, ईस्ट, और आपका बॉम्बे में पढ़ी, हाँ। फिर दिल्ली में पढ़ी, फिर साउथ से हूँ, बैंगलोर से हूँ। तो और अदिति राव हायदरी इनकी कज़न है जी। तो यू नो जब फिल्में अच्छी होती हैं, जहाँ से भी हों, हमारे इंडस्ट्री हमारे देश के लिए अच्छा ही है। तो आई एम वेरी हैप्पी इफ़ साउथ इंडियन फिल्म्स डू वेल। पर और भी बहुत लैंग्वेजेस हैं, उनको भी आजमाने की अभी देर है सबको। पंजाबी में भी फिल्में बन रही, गुजराती में भी, बंगाली में भी कितनी फिल्में हैं। तो अभी साउथ की चल रही हैं, अभी जाते जाते देखते हैं और भी इंडस्ट्रीज इमर्ज हो जाएं। ओके, अब मेरा रैपिड फायर राउंड, ये न्यूज़ का कह सकते हैं आप। हाँ, रैपिड फायर। ओके, पहला सवाल किरण राव आपके लिए, देश का बेस्ट एक्टर आप किसे मानती हैं? Oh God, quickly, स्पर्श श्रीवास्तव। आमिर नहीं है ये मेरे आमिर नहीं है। नहीं, अभी फिलहाल मेरे एक्टर को मैं तालिया, जोरदार तालिया, हिम्मत चाहिए। बहुत ही अच्छा एक्टर है, बहुत ही अच्छा। बेस्ट एक्ट्रेस आपके हिसाब से देश की कौन है? बेस्ट एक्ट्रेस करीना कपूर। करीना कपूर। बेस्ट डायरेक्टर, निर्देशक? ओके, आप अपना नाम ले सकती हैं। नहीं नहीं, मैं अपना क्यों लूँ। नीरज घेवान, जिन्होंने मसान बनाई फिल्म। मसान, ओके। क्या वो आपकी फेवरेट फिल्म है या कोई और है? मसान बहुत बहुत अच्छी फिल्म है। बेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? आमिर खान, विदाउट अ डाउट। या ऐसा क्यों कहती हैं आप? बड़े दिलदार किस्म के प्रोड्यूसर। नहीं, दिलदार नहीं, ही अंडरस्टैंड स्टोरी, उनको कहानी में ही नोज फिल्म्स इनसाइड आउट। वो बहुत सपोर्ट करते हैं आपकी विजन को, ये नहीं कि वो दखल अंदाजी और ये कहना कि ये करो वो करो। ओके, बेस्ट सिंगर आपके हिसाब से? अरिजीत। सबसे तेज तालियां अरिजीत के नाम पर बजी हैं, आप देख रही हैं ना। और बेस्ट राइटर? बेस्ट आप भी लिखती हैं इसलिए। हाँ, कौन सी फिल्म की स्क्रिप्ट या डायलॉग्स आपको सबसे अच्छे लगे हों? मेरी फिल्म की बहुत अच्छी है, लेकिन 3 राइटर्स हैं उसमें, बोलिए ना। तो विप्लव गोस्वामी, स्नेहा देसाई और दिव्य निधि शर्मा। बेस्ट गाना? बेस्ट गाना सजनी। मेरी फिल्म की का गाना सुना है किसी ने? बहुत सुना दीजिए, फिर सुन लेंगे। वो सजनी रे, अरे मैं गा रही हूँ और अरिजीत का गाना है। ओ गॉड, तो हो जाए, गाइए आप भी गाइए। कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तुझे याद सतावे रे। क्या बात है, ओ सजनी रे। आमिर की बेस्ट मूवी आपके हिसाब से कौन सी है? तारे ज़मीं पर। तारे ज़मीं पर। तीनों खान्स में सबसे बड़ा स्टार कौन है? अरे मेरे लिए तो आमिर खान ऑब्वियसली। आमिर का बेस्ट फ्रेंड कौन है? आमिर का बेस्ट फ्रेंड अमीन हाजी। ओके। या सत्यजीत भटकल, एक्चुअली मो सत्यजीत, दोनों का। ओके। हाँ। जब ये कहा जाता है कि तीनों खान्स में बनती नहीं है, कभी किसी में झगड़ा होता है कभी किसी में होता है, क्या ये सच है? नहीं, बट झगड़े तो कभी कभी होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, पर बहुत जिगरी दोस्त भी हैं। अब मैं 4-5 नाम लूंगा और आपके जहन में जो पहला शब्द आता है वो आपको बताना है। okay. रवि किशन। कमाल। ऐसा ही बोला है क्या फिल्म में? ओके। रीना दत्ता। फैमिली। करण जौहर। माय जान, आई लव हिम। जुनैद। ब्राइट। आयरा। बेबी। एनिमल द मूवी अभी देखी नहीं है बट इंटरेस्टिंग। अभी आपने कुछ कहा था उस पर तो वो नाराज हो गए संदीप अंगारेड्डी। मैंने तो कहा ही नहीं ना, इसीलिए पता नहीं कैसे नाराज हो गए, इसलिए मैंने सफाई मुझे देनी पड़ी कि मैंने देखी नहीं है भाई, मुझ पे क्यों टूट रहे हो। ओके, किरण राव, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ ये इंटरव्यू करने में। आई एम श्योर यहाँ बैठे जो बच्चे हैं वो और टीवी पर हमारे दर्शकों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा।